भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री वहां पर हैं, वहां पर स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि वो पहुंचे हुए हैं, जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से वहां पर तैनात है, राहत कर्मी वहां तैनात हैं और अर्धसैनिक बलों को भी वहां पर मदद के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समय जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, ये बताया जा रहा है था कि आप वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इन लोगों को कब तक रेस्क्यू कर लिया जा सकता है? मैं यहां पर लगभग 2 घंटे से हूं और काफी चिंता में हम लोग, पुलिस, जिला प्रशासन, SDRF, BSF ये सारी टीमें काम करने में लगी हुई हैं। अभी 34 लोग फंसे हुए हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है और वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर चाहेगा तो जल्दी सफलता मिलेगी। नहीं जी, क्या चूंकि हेलीकॉप्टर के जरिए शायद बेहतर हो सके ये ऑपरेशन, बताया गया कि सिर्फ एक बार उड़ान भर पाया है हेलीकॉप्टर वहां तक, क्या आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि वो दूसरे फेरे में भी आएगा? हेलीकॉप्टर जब आया था तब भी लगभग अंधेरा हो रहा था, लेकिन उसने बहुत रिस्क लेके वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 5 लोगों को रेस्क्यू किया और उनको एयरपोर्ट स्टेशन ले गए। लेकिन अब अंधेरे में हेलीकॉप्टर के लिए रेस्क्यू करना थोड़ा अधिक रिस्की है। यद्यपि वो लोग प्रयत्नशील हैं, लेकिन अंधेरा इतना है कि उसमें हेलीकॉप्टर काम कर सके ये कठिन है। नरेंद्र जी, क्या ये पता चल पाया है कि उसमें बच्चे तो नहीं है, कहीं बच्चे महिलाएं